नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चीजें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बात कर रहे थे हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और बात की थी लास्ट लेक्चर्स में हमने मर्चेंट सर्किल डायग्राम की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आइए बात करते हैं कुछ टॉपिक्स पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे, कुछ ऐसे थ्योरीज पे जो इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द मर्चेंट्स थ्योरी। अपनी अपनी थ्योरीज में इंट्रोड्यूस किया लोगों ने कुछ नए पॉइंट्स और पॉइंट्स के कंक्लूजन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और लगातार ही हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कई थ्योरीज डेवलप हुई, उसमें से कुछ है कुछ थ्योरी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उस चीज को डिस्कस करेंगे। और बहुत डिटेल डिस्कशन की जरूरत यहाँ नहीं है, उनकी रिजल्ट को ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि वो पार्ट हमसे हमारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहली थ्योरी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो थी हमारी मॉडिफाइड मर्चेंट्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड मर्चेंट्स थ्योरी इन द एनालिसिस ऑफ मर्चेंट द नॉर्मल स्ट्रेस वॉज नेग्लेक्टेड फॉर द एनालिसिस पार्ट। नॉर्मल स्ट्रेस को नेग्लेक्ट किया गया था एनालिसिस के दौरान, ऐसा मॉडर्न मॉडिफाइड मर्चेंट्स थ्योरी में डिफाइन किया गया। इस बेसिस पे एक रिलेशन डिफाइन की गई थी, टाउ एस विल बी इक्वल टू टाउ एस नॉट प्लस के ऑफ सिग्मा एस, ठीक है। सिग्मा एस इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन, ऑन द शियर प्लेन, ठीक है। और यहां सिग्मा एस के लिए ये रिलेशन डिफाइन की गई है, शियर फोर्स एंड शियर प्लेन की एरिया, ठीक है। फाइनली जो फाइनल कंक्लूजन जो थी, फाइनल रिलेशन जो थी, वो एक रिलेशन ये डिफाइन की गई थी और दूसरी रिलेशन इसी के रेफरेंस में जो डिफाइन की गई थी वो ये थी। और इसी रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये पार्ट कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं कि मर्चेंट एनालिसिस के थ्रू जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया था ये वही रिजल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसे कहा जाता है जिसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ ली शैफर्स थ्योरी। ली शैफर थ्योरी में यहां डिफाइन किया गया था एक ऐसे बॉडी को जिन्हें डिफाइन किया था इन्होंने बाय द नेम ऑफ आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी एनालिसिस ऑफ मर्चेंट थ्योरी के दौरान हमने जिस बॉडी की बात की थी वो आइडियल प्लास्टिक बॉडी थी, ठीक है। बट यहाँ एक रिजिड टर्म इंट्रोड्यूस किया गया और वेरिएशन क्या आया इन दोनों बॉडीज के बीच, ये आप देख सकते हैं बाय द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर डिस्कशन करें थोड़ी सी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर और रिलेशन फॉर आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी ऑफ फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज दिस वन, एंड फॉर आइडियल प्लास्टिक बॉडी जो रिलेशन थी हमारी वो ये थी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये वेरिएशन थी, इस वेरिएशन में एक एजम्पशन ये थी कि डिफॉर्मेशन अकर ऑन अ थिन शियर प्लेन, ऑन अ थिन शियर प्लेन। और फाइनल रिजल्ट जो डिफाइन की गई थी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो थोड़ी अलग थी हमारे मॉडिफाइड मर्चेंट्स थ्योरी के रिजल्ट से या फिर मर्चेंट एनालिसिस के रिजल्ट से। और जो वेरिएशन थी वो ये थी कि पाई इज हेयर डिफाइंड एज फाई, द शियर प्लेन शियर एंगल इज डिफाइंड एज पाई बाय फोर प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। वहां जो रिलेशन थी वो अल्फा बाय टू थी एंड माइनस बीटा बाय टू थी। तो ये भी ये जो रिजल्ट है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखेंगे। विद द नेम कैन ली एंड शैफर्स थ्योरी की रिजल्ट ये है, ठीक है। और एक तीसरी थ्योरी जो डिफाइन की जाती है जिसे कभी कभी पूछा जाता है वो है स्टेबलर्स थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू द स्टेबलर्स थ्योरी जो रिलेशन हमें डिफाइन की गई थी वो ये रिलेशन थी, फाई शियर एंगल विल बी इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस अल्फा बाय टू माइनस बीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे अपने फोर्स के रिलेशंस की, ठीक है। फोर्स के रिलेशन छह टाइप के फोर्स हम पढ़ चुके हैं, बात की थी हमने फ्रिक्शन फोर्स की, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स की, कटिंग फोर्स की, थ्रस्ट फोर्स की, शेयर फोर्स की और नॉर्मल शेयर फोर्स की, ठीक है। तो इनके बीच एक कॉरिलेशन डेवलप करना जरूरी था क्योंकि आप एक की हेल्प से बाकी के फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब
वो आप समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेज अगर दो आपको कैलकुलेट करने हैं तो कितनी वैल्यू उसकी इनपुट की जरूरत होगी। ठीक है, तो इंटर रिलेशन जरूरी था यहाँ पे, इस वजह से कुछ इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज को डिफाइन किया गया है। पहली रिलेशन आपके फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ एफ सी एंड एफ टी, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि एफ इज डिफाइंड एज एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, एंड एफ एन एन नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स इज डिफाइंड एज एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। ठीक है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जब आप फ्रिक्शन फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, फ्रिक्शन या नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स की, तो आप कंसिडर करेंगे किसे, अल्फा को, रेक एंगल को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर नॉर्मल नॉर्मल शियर फोर्स या शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है तो वहां हम लोग यूज करेंगे द शियर एंगल। एफ एन इज डिफाइंड एज एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कॉस फाइव, एंड एफ एस इज डिफाइंड एज एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ सी एफ टी साइन फाइव। ठीक है, तो यहां मैंने नोट करके लिख रखा है कि अल्फा फॉर फ्रिक्शन फोर्सेज एंड शियर एंगल फॉर शियर फोर्सेज। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक छोटी सी पॉइंट मैंने यहां जरूर मेंशन की है, ठीक है, बट यहां पे एक मार्क है, स्टार मार्क है, एफ सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप देखिए चारों में जो आपकी एफ सी है वो पॉजिटिव पार्ट में ही आ रही है और एफ टी की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, एक पार्ट में एफ टी पॉजिटिव साइन के साथ है, दूसरे में नेगेटिव साइन के साथ है। बस ये मैंने आपको याद करने के लिए छोटी सी हेल्प देने की कोशिश की है। आप एफ टी की वैल्यू को नेगेटिव नहीं करेंगे, एफ टी के साथ जो अटैच्ड साइन है उसे नेगेटिव समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो एक रिलेशन आप लिख सकते हैं कि एफ एन कैन बी रिटन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिटन एज साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहां दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं एफ सी एंड एफ टी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रिलेशन जो है सीएफ फोर्स से रिलेटेड दूसरी इक्वेशन, उसे आप लिख सकते हैं एफ एन एफ एस विल बी इक्वल टू कॉस फाइव साइन फाइव कॉस साइन फाइव सॉरी उल्टा हो गया साइन फाइव कॉस फाइव कॉस फाइव एंड माइनस माइनस साइन फाइव। दूसरी मैट्रिक्स जो आएगी वह एफ सी एंड एफ टी आएगी। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारी उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर है। इन रिलेशंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही वाइडली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में और गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चीजें उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर है। बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है चीजें यहां तक क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।